बिहार में सियासी उठापटक की राजनीति लगातार तूल पकड़ रही है। पहले आरजेडी ने जेडीयू में टूट का दावा किया, तो अब बीजेपी ने आरजेडी में टूट का दावा कर दिया है। बीजेपी का दावा है कि आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने दावा किया है कि आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। तेजस्वी यादव के तकरीबन आधा दर्जन विधायकों ने मुझसे संपर्क किया है, ऐसे में वो पक्के तौर पर कह सकते हैं कि आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। ये बात कह रहे हैं खुद बीजेपी के राज्यसभा सांसद। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में आरजेडी नेता श्याम रजक ने जदयू के 17 विधायक टूटने और आरजेडी के संपर्क में होने का दावा किया। इस पर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने कहा, कोई भी किसी प्रकार का दावा कर रहा है तो सब बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह के बयानों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा था कि आरजेडी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। बिहार की सत्ता पाने को लेकर तेजस्वी बेचैन है। एनडीए में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हर कीमत पर सरकार जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। तेजस्वी और आरजेडी के नेताओं को यह समझ लेनी चाहिए कि उनके झांसे में जेडीयू आने वाला नहीं है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि श्याम रजक लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर जदयू भले ही आहत है, लेकिन उनके झांसे में कोई नहीं आने वाला। वह जदयू के विधायक की टूट की चिंता छोड़ दें और अपने विधायकों को संभाले। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में लगातार तूफान उठ रहा है। आपको बता दें कि जहां एक ओर आरजेडी कह रहा है कि जेडीयू के विधायक जिस तरीके से बीजेपी में गए हैं, उसकी वजह से उनका कहना है कि नीतीश कुमार जो है एनडीए का गठबंधन छोड़कर आरजेडी में आ जाए, तो वहीं इस पर जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का कहना है कि आरजेडी खुद के विधायकों को संभाले। और अब इस पर बीजेपी भी कूद गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने भी कहा है कि तेजस्वी यादव की पार्टी के आधा दर्जन जो विधायक हैं उनके संपर्क में हैं। ऐसे में उनका दावा है कि आरजेडी में बहुत जल्द ही बड़ी टूट भी देखने को मिल सकती है। अब क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा।